जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई करने के पांच ऐसे फायदे जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। जी हां साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाते रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं यदि हम डिस्टेंस से पढ़ाई करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो साथियों, सबसे पहला और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, यदि आपको जैसे एमबीए करना है और आप यदि रेगुलर से करना चाहते हैं तो रेगुलर के लिए जो परसेंटेज का मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप रेगुलर से एमबीए कर सकते हैं। अब यदि आपके 50% मार्क्स नहीं है तो उस केस में फिर आपका रेगुलर में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यदि आपके 50% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं, वहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे सबसे पहला बेनिफिट। इसके साथ साथ साथियों, दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप जैसे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे आपने बीए किया है उसके बाद में आप एमसीए करना चाहते हैं तो आप रेगुलर से एमसीए नहीं कर सकते, वहां पर आपको रेगुलर में एमसीए में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ये फैसिलिटी आपको दी जाती है कि आप बीए के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। जैसे आपको इग्नू यूनिवर्सिटी कराती है और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो आपको डिस्टेंस में एमसीए कराती है। तो यानी कि आपके बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं आप रेगुलर के लिए उनके लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन डिस्टेंस में उन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। इससे आगे बात करें साथियों तीसरे बेनिफिट की, तो साथियों तीसरा बेनिफिट यह है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप अपने प्राइवेट जॉब में ही हैं या फिर आप अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ यदि आप अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही माध्यम है कि आप अपनी रेगुलर जॉब के साथ में, अपने रेगुलर स्टडी के साथ में आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपकी जो डिग्री है वो पूरी तरीके से मान्य होगी। साथियों चौथे बेनिफिट की बात करें साथियों, चौथा बेनिफिट ये है, बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमारी जो डिग्री है वो पूरी तरीके से मान्य होगी या नहीं होगी, क्या हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप डिस्टेंस से पढ़ाई करें, रेगुलर से करें, प्राइवेट से करें, किसी भी मोड में करें, आपकी जो डिग्री होगी वो पूरी तरीके से मान्य होगी। उस पर ऐसा नहीं है कि आपने डिस्टेंस से करी तो उसकी वैल्यू कम होगी, रेगुलर से करा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। सभी डिग्री की जो वैल्यू होगी वो समान होगी। लेकिन आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, यानी कि जो आप यदि डिस्टेंस से भी करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए। नेक एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी हो तो बहुत अच्छा है। इससे आगे बात करें साथियों फिफ्थ बेनिफिट की, तो फिफ्थ बेनिफिट ये है साथियों, यदि आप फाइनेंशियल आपका स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड की यदि बात करें अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो डिस्टेंस से पढ़ाई करने में आपको ज्यादा खर्च नहीं लगता है, यानी कि इसकी जो फीस होती है वो बहुत कम होती है और आप जो डिस्टेंस की दूर दूर यूनिवर्सिटी होती है उनके जो सेंटर है वो लगभग सभी सिटीज में होते हैं तो आप इसकी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।